हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आपका बजट 25,000 है एंड इस बजट में आप अपने लिए कोई सा एक बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, देन आप सही वीडियो पर आए हो। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन अंडर 25,000। इन पाँचों स्मार्टफोन में आपको सभी फीचर्स एकदम तगड़े तगड़े लेवल के देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पावरफुल प्रोसेसर, तगड़ा कैमरा, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, अच्छा डिस्प्ले, मतलब कि सब कुछ आपको बेस्ट लेवल का मिल जाएगा। गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो 1,000 से 2,000 रुपये अप डाउन होते रहता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। स्मार्टफोन लेने से पहले आप अमेजन एंड फ्लिपकार्ट दोनों पर प्राइस चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, मतलब कि 1,000 से 2,000 का डिफरेंस यहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है। सभी स्मार्टफोन का जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो एंड अगर आपको पसंद आए तो आप बाय भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, और आप भी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन भेजकर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में, जो हमारी लिस्ट में 5th नंबर में रैंक करता है वो वन प्लस की तरफ से वन प्लस नोट C3 5G। अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज अलग अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन IP54 सर्टिफाइड है, डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप 2 SIM या फिर 1 SIM प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। बट गाइस, इसमें आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। फोन को अनलॉक करने के लिए इंडस लॉक है, और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 5000mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 80W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.7 इंच का फुल HD+ 10-bit फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 950 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्क्वेक में 50MP जिसमें का लगा सोनी सेंसर का OIS कैमरा प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16MP का सेल्फी कैमरा। इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 10K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल इसका दोनों कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, फ्लेक्सिप सेंसर यूज़ किया है तो परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा ही। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 782 का 5G चिपसेट, और जो इसका अंतु स्कोर 7 लाख के करीब में है। नॉर्मल यूज़ में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इससे आप लो टू हाई सेटिंग पे अच्छे से लॉन्ग टर्म तक गेमिंग कर सकते हो। ये जो स्मार्टफोन टोटल 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8128 का जो प्राइस है 26,999 रुपये, यानी कि 27,000 रुपये। 2000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे। देन इफेक्टिवली इसके 8128 वाला जो वेरियंट है आपको 25,000 के अंदर देखने को मिलेगा। एंड 25,000 के अंदर अगर आपको एक बेस्ट कंप्लीट पैकेज ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 4th नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में 4th नंबर में रैंक करता है वो रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 60 Pro 5G। इसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है एंड डिज़ाइन भी काफ़ी कमाल का है। प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर है, इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते, नए 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि फोन को अनलॉक करने के लिए इंडस लॉक है, और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। कैसे इसमें आपको 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000mAh का बड़ा बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 67W का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.7 इंच का फुल HD+ 10-bit सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 950 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। जब आप इस स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो आपको ये प्रीमियम टाइप का फील कराएगा एंड कॉन्टेंट वॉचिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको स्क्वेक में 100MP जिसमें लगा OIS का सेंसर प्लस 2MP का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 10K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो।
ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस आपको डिसेंट टाइप का मिल जाएगा। डे लाइट हो या फिर लो लाइट, दोनों में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में, यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें लगा मीडियाटेक डोमेस्टी 7050 का 5G चिपसेट, और जो उसका अंतुतु स्कोर 5,50,000 के करीब में है। नॉर्मल यूज़ में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इससे आप मीडियम टू हाई सेटिंग पे गेम प्ले कर सकते हो। ये जो स्मार्टफोन टोटल 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8128 का 23,999 रुपये, यानी कि 24,000 रुपये, 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको एक बेस्ट कर्व डिस्प्ले वाला एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। बड़े में थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, बात कर लेते हैं थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर में रैंक करता है, वो पोको की तरफ से पोको F5 5G। वैसे तो ये स्मार्टफोन 27,000 से 28,000 के करीब में आता है, बट अभी के टाइम पे बिना किसी बैंक एंड कार्ड ऑफर के 25,000 में आराम से मिल जाएगा, एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन अंडर 25,000। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन IP53 सर्टिफाइड है, डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है। इसमें आप दो सिम लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। फोन को अनलॉक करने के लिए साइड वॉल लॉक है, और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5,000 mAh का बड़ा बैटरी दिया है, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 67W का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट रिलेटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.67 इंच का फुल HD प्लस 12-bit OLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 1000 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन भी है। डिस्प्ले इसमें आपको एकदम फ्लेक्सिबल लेवल का देखने को मिलता है, कलर साइज ब्राइटनेस सब कुछ एकदम बढ़िया लेवल का मिल जाता है। मतलब कि जो जो डिस्प्ले में चाहिए वो सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको स्क्वेक में 64 मेगापिक्सल, जिसमें क्या OIS का सेंसर प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, एंड इसके फ्रंट में लगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080 वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका डिसेंट टाइप का परफॉर्म करता है। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट रिलेटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें लगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 का 5G चिपसेट, और जो उसका अंतुतु स्कोर है 1,000,000 के करीब में। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट मिल जाएगा, इससे आप लो टू हाई सेटिंग पर लॉन्ग टर्म तक इजीली गेमिंग कर सकते हो, और अगर आप गेमिंग यूजर्स हो देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को जरूर ले लेना। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर है सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8256 का जो प्राइस है 26,999 रुपये, यानी कि 27,000 रुपये, 2,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे। देन इफेक्टिवली इसके 8256 वाला जो वेरिएंट है वो आपको 25,000 के अंदर देखने को मिलेगा, एंड 25,000 के अंदर अगर आपको एक बेस्ट ऑलराउंडर गेमिंग सेंटर के स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। बड़े में थोड़ा सा और बढ़ता है, बात कर लेते हैं सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर में रैंक करता है वह मोटो की तरफ से मोटो H40 5G। इसमें आपको फ्लेक्सिबल लेवल का फीचर्स देखने को मिलता है, प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही इसमें भी आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन IP68 सर्टिफाइड है, मतलब कि पानी और डस्ट रोक सकता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, बट गाइस इसमें आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप एक सिम लगा सकते हो प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फोन को अनलॉक करने के लिए इन डिस्प्ले लॉक है, और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 4400mAh का बैटरी दिया है, इसको चार्ज करने के लिए 68W का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट रिलेटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। 6.55 इंच का फुल HD प्लस 10-bit OLED कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, एंड 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटडोर में कोई भी इशू नहीं होगा। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन एकदम जबरदस्त रहेगा, एकदम प्रीमियम लेवल का डिस्प्ले मिलता है तो प्रीमियम लेवल का फीलिंग भी दे देगा। यहाँ पर आपको स्क्वेक में 50 मेगापिक्सल, जिसमें क्या लगा OIS का सेंसर प्लस 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका अच्छा मिल जाता है। इसमें लगा मीडियाटेक डोमेस्टी 8020 का 5G चिपसेट, और जो उसका अंतुतु स्कोर 6,80,000 के करीब में है। नॉर्मल यूज़ में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इससे आप मीडियम टू हाई सेटिंग पे गेम प्ले कर सकते हो।
सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 14 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर है सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8256 का जो प्राइस है 26,999 रुपये यानी कि 27,000 रुपये, 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको कर्व डिस्प्ले वाला बैलेंस ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, अब बात कर लेते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता है वो है IQ की तरफ से IQ Z7 Pro 5G। अगर आपको एक बेस्ट गेमिंग सेंट्रिक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन IP52 सर्टिफाइड है, मतलब कि हल्का फुल्का पानी और डस्ट रोक सकता है। सिंगल मास्टर स्पीकर है, बट गाइस इसमें आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। अच्छी बात ये है कि फोन को अनलॉक करने के लिए इंडस प्लॉक मिलता है और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 4600mAh का बैटरी है, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 66W का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.78 इंच का फुल HD+ 10 bit सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 300Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 1300 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटडोर में कोई भी इशू नहीं होगा। कितना भी सनलाइट हो आप अपने डिस्प्ले को काफ़ी इजीली देख पाओगे। ओवरऑल डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है, कलर साइज ब्राइटनेस डिजाइन सब कुछ आपको तगड़े लेवल का देखने को मिल जाएगा। कंटेंट वाचिंग में आपको काफ़ी मज़ा देगा ये स्मार्टफोन। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको स्क्वेक में 64MP जिसमें क्या लगा OIS का सेंसर प्लस 2MP का डोल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 10K 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल दोनों कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, डे लाइट हो या फिर लो लाइट दोनों में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा है मीडियाटेक डोमेस्टी 7200 का 5G चिपसेट और जो इसका अंतु तो उसको 7,40,000 के करीब में है। नॉर्मली उसमें कोई भी सुनी होगा एंड इससे आप लो टू हाई सेटिंग पर लॉन्ग टर्म तक गेमिंग कर सकते हो। गेमिंग परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है एंड अगर आपको एक गेमिंग सेंट्रिक तगड़ा ऑलराउंडर फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। ये जो स्मार्टफोन टोटल 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर है सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8128 को जो 30,999 रुपये यानी कि 2400 रुपये, 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको एक बेस्ट डिस्प्ले गेमिंग एंड कैमरा सेंट्रिक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो ये थे इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट एंड ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन अंडर 25,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो किस बात का इंतजार करो, इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। या इस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेजकर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।